come from Tyagarajar Polytechnic College, Salem, Tamil Nadu, and I've been teaching English in the Polytechnic College for more than 16 years. Most of my Polytechnic students hail from rural background. They come from Tamil medium schools, so they find it difficult to speak, at least open their mouth in English. नहीं, लेकिन हम लोगों को ये भ्रम है, शायद सब लोगों के ही होगा कि भाई यानी तमिलनाडु मतलब सबको अंग्रेजी आती है. Obviously, sir, there are rural people, sir, who study from the vernacular language medium, so they find it difficult, sir. So for them, we teach. और इसीलिए इसी जो नई शिक्षा नीति है, उसमें मातृभाषा पर बहुत बल दिया गया है. Yes, sir. So we are teaching English language, sir, and. As per NEP 2020, as it lays on three languages, now we have and in mother tongue learning, we have now introduced as an autonomous institution. We have now introduced our mother tongue language also in learning technical education. Sir. क्या आप में से कोई है जिसने बहुत हिम्मत के साथ ऐसा प्रयोग किया हो कि मान लीजिए एक स्कूल में 30 बच्चे हैं. वो प्योरली अंग्रेजी भाषा के माध्यम से और उन्हीं के बराबर के दूसरे 30 बच्चे वही विषय अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं तो कौन सबसे ज्यादा आगे जाता है, कौन ज्यादा ज्यादा जानता है, क्या अनुभव आता है आप लोगों का है? क्योंकि क्या है मातृभाषा में वो डायरेक्ट चीज को पकड़ उसको मेंटली अंग्रेजी फिर उसका अपनी भाषा में ट्रांसलेट करेगा फिर उसको समझने का प्रयास करेगा बहुत एनर्जी जाती है उसकी. तो बच्चों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने का और बाद में अंग्रेजी एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत अच्छा पढ़ाना चाहिए. यानी जैसे संस्कृत टीचर क्लास में जाती होगी और क्लासरूम से बाहर आती होगी संस्कृत के सिवा किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करती होगी आशा जी, वैसे ही अंग्रेजी के टीचर को भी क्लासरूम में अंदर जाने से बाहर निकलने तक और कोई लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए. अंग्रेजी करेंगे तो वो भी उतने ही बढ़िया तरीके से करेंगे. फिर ऐसा नहीं कि वे एक वाक्य अंग्रेजी और फिर तीन वाक्य मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो वो बच्चा कैच नहीं कर सकता है. अगर हम उतना डेडिकेशन लैंग्वेज के प्रति भी होगा तो बुरा नहीं है. और हमें तो अपने बच्चों की आदत डालनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा भाषाएं सीखने का, उनके मन में इच्छा जगनी चाहिए. और इसलिए कभी कभी स्कूल में तय करना चाहिए इस बार हम अपने स्कूल में 5 अलग अलग राज्यों के गीत सिखाएंगे बच्चों को. 5 गीत एक साल में मुश्किल नहीं है तो 5 भाषा के गीत जान लेंगे. कोई असमिया करेगा, कोई मलयालम में करेगा, कोई पंजाबी करेगा. पंजाबी तो खैर कर ही लेते हैं. चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश ऑल द बेस्ट. प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम उत्पल सैकिया है और मैं असम से हूँ. मैं अभी नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर गुवाहाटी में फूड एंड बेवरेज सर्विस में एक प्रशिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ. और मैं इधर नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर में मेरा अभी 6 साल संपन्न हो गया है और मेरा मार्गदर्शन से अब तक 200 से ज़्यादा छात्र सफलतापूर्वक प्रशिक्षित हो गया है और देश और विदेश में 5-स्टार होटलों में काम. कितने समय का कोर्स है आपका? 1 साल का कोर्स है. 1 ईयर? यस सर. और हॉस्पिटैलिटी का जानते हैं वो? हॉस्पिटैलिटी फूड एंड बेवरेज सर्विस. फूड एंड बेवरेज, उसमें क्या विषय सिखाते हैं आप? हम सिखाते हैं कैसे गेस्ट से बातें करते हैं, कैसे फूड सर्विस होता है, कैसे ड्रिंक सर्विस होता है. तो इसके लिए हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को ऑलरेडी रेडी कराते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स सिखाते हैं, कैसे गेस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है, वो सब हम सिखाते हैं. जैसे कुछ उदाहरण बताइए. इन लोगों को काम है क्योंकि इनको घरों में बच्चे को ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ऐसा करते हो तो आप अपनी टेक्निक सिखाइए. नहीं, बच्चों के लिए अभी तो मेरे पास कुछ टेक्निक है नहीं, लेकिन जो गेस्ट आते हैं हम लोग जो हमारे पास होटल्स में आते हैं तो उन लोग को कैसे टैकल करना है, मतलब पोलाइटली हम्बली उन लोग को बातें सुन के
यानी ज्यादातर आपका फोकस सॉफ्ट स्किल पर है। हाँ जी सर सॉफ्ट स्किल्स। ज्यादातर वहां से निकले हुए बच्चों को जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ रहती है? ऑल ओवर इंडिया, जैसे कि दिल्ली हो गया, यानी मेनली बड़े बड़े होटल में, बड़े बड़े होटल्स में। हाँ जी, हमारा मतलब 100% प्लेसमेंट गारंटेड है, हमारा प्लेसमेंट टीम है, वो लोग देखते हैं। तो वैसे आप गुवाहाटी में हैं? हाँ जी सर। अगर मैं हेमंता जी से कहूँ, हाँ जी सर, कि हेमंता जी के जितने मिनिस्टर्स हैं, हाँ जी सर, उनके स्टाफ को आप ट्रेन करें और उनके अंदर एक कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ताकि उनके यहाँ गेस्ट आते हैं, हाँ जी सर, और उसको मालूम नहीं होता है कि गेस्ट को बाएं हाथ से पानी दूं या दाहिने हाथ से, तो हो सकता है। डेफिनेटली हो सकता है सर। देखिए, बात आपको आश्चर्य होगा, मैं जब गुजरात में था मुख्यमंत्री, तो मेरे यहाँ एक होटल मैनेजमेंट स्कूल था, तो मैंने बड़ा आग्रह किया था कि मेरे जितने मिनिस्टर्स हैं उनका जो पर्सनल स्टाफ है उनको सैटरडे संडे जाकर के वो सिखाएंगे। तो उन्होंने वॉलेंटियरली सिखाना तय किया, और मेरे यहाँ जितने भी बच्चे काम करते, या मालिक काम करता था या कुक काम करता था, मैं जितने भी मिनिस्टर्स के यहाँ, सबकी वहाँ पर 30-40 घंटे का करीब सिलेबस होता था। उसके बाद उनके परफॉर्मेंस में से इतना बदलाव आया, और घर में जाते ही पता चलता था कि वाह, कुछ नया नया लग रहा है। और तो जो परिवार वाले हैं उनको शायद उतना ध्यान में नहीं होता, मेरे लिए तो बड़ा आश्चर्य होता था कि यार तुमने कैसे कर दिया सब। तो वहां सीख के आता था। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कभी ये भी करना चाहिए, ताकि एक बड़ा बहुत बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि भैया एक छोटा सा होता है, इवन घर में काम करने वालों को भी आते ही कोई नमस्ते कहते, जैसे टेलीफोन उठाने वाले लोग सरकारी दफ्तर में, कुछ लोगों के ट्रेनिंग होते हैं, वो जय हिंद बोल करके उठाएंगे फोन या नमस्ते करके उठाएंगे, कुछ हाँ बोलो क्या कहना है, तो वहीं से बात बिगड़ जाती है। तो आप उसको बराबर ठीक से सिखाते हैं? सिखाते हैं सर, सिखाते। चलिए, बहुत बधाई है आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो बोरी सागर वो थे, वो आपको कुछ थे क्या? हाँ सर, मेरे दादा। दादा थे? अच्छा, वो हमारे बहुत हास्य लेखक हुआ करते थे। हाँ जी सर। तो आप क्या करते हैं? सर मैं अमरेली से प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ, और वहाँ पर श्रेष्ठ पाठशाला निर्माण से श्रेष्ठ राष्ट्र निर्माण के जीवन मंत्र के साथ पीछे 21 साल से काम कर रहा हूँ सर। क्या विशेषता क्या है आपकी? सर मैं हमारे जो लोकगीत कहते हैं, आप बहुत पेट्रोल जलाते हैं। हाँ सर, वो बाइक पर मैं जो हमारा प्रवेशोत्सव आपके द्वारा जो हमारा सफल कार्यक्रम वहाँ से शुरू हुआ 2003 से, सर हमारे जो लोकल गरबा गीत है उसको मैं एजुकेशन अवेयरनेस गीत में परिवर्तित करके मैं गाता हूँ। जैसे पंखेड़ा है हमारा, सो अगर आपकी अनुमति हो तो गा। हाँ, हो जाए। पंखेड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, पंखेड़ा तू उड़ीने जाजे गामे गाम रे, देशना बाळकोने केजे भणवा आवे रे, मारा गामना बाळकोने केजे शाळामा आवे रे। पंखेड़ा, ओ पंखेड़ा, पंखेड़ा हो। ये गुजराती बहुत प्रसिद्ध लोकगीत है, उन्होंने इसको शब्द बदल दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि बच्चों को ये गीत से बताते हैं, अरे भाई तुम स्कूल चलो, पढ़ने के लिए चलो, यानी अपने अपने तरीके से वो कर रहे हैं। और सर 20 भाषा के गीत भी मैं गा सकता हूँ। 20 भाषा के साथ? अरे वाह। अगर मैं केरला के बारे में बच्चों को सिखाता हूँ तो मैं कोट्टनाडन पुंजे इल्ले तित्ते तग तै तै तुम कोच्चु पेन्ने को इल्लाले तित्तित्ता तित्ते तै कोट्टु वेणम कुरल वेणम कुरवा वेणम। अगर तमिल में सिखाता हूँ तो तमिल के दोस्त है वाह यानी आओ, पधारो, वेलकम। सो वा उड़ी पड़े तो कन्नी नाई वा वा वा, उर्ज कौंड नेंजी नाई वा वा वा। अगर मैं मराठी में आनंद कंद ऐसा आ हिंद देश माजा, आनंद कंद ऐसा। अगर कन्नड़ा में भारता नम्मदु अंदु इंदु एंदिगु इदुवये स्वर्गवु हरिय जरिय नम्मिदु, भारता नम्मदु, भारत माता को नमन करता हूँ। अगर मैं राजस्थानी में सिखाता हूँ, आ ओ कुण बीज
बीजे बाजरो ये बदरी ओ गुण बीजे मोड़ मेवा मिसहरी। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर एक भारत श्रेष्ठ भारत, हाँ। यही मेरा जीवन मंत्र है सर। चलिए बहुत और अच्छा। सर 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए भी और ऊर्जा से काम करूंगा सर। थैंक यू सर। उनकी सरनेम जब मैंने देखी तो उनके दादा से मैं परिचित था तो मुझे याद आया आज, और उनके दादा बहुत ही अच्छे हास्य लेखक हुआ करते थे मेरे राज्य में, बड़ी पहचान थी उनकी। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आपने उस विरासत को संभाला होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथियों मेरी तरफ से कुछ खास आप लोगों को संदेश तो नहीं है, पर मैं जरूर कहूंगा कि ये सिलेक्शन होना ये एक बहुत बड़ी पूंजी होती है, लंबी प्रोसेस से निकलता है। पहले क्या होता था मैं इसकी चर्चा नहीं करता हूं, लेकिन आज कोशिश है कि देश में ऐसे होनहार लोग हैं जो कुछ वो नया कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमसे कोई ज्यादा अच्छे टीचर नहीं होंगे, किसी और विषय में अच्छा नहीं करते होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो देश है, बहुरत्ना वसुंधरा है, कोटि कोटि टीचर्स ऐसे होंगे जो बहुत उत्तम काम करते होंगे। लेकिन हम लोगों की तरफ ध्यान गया होगा, हमारी कोई विशेषता होगी जो देश की में खास करके नई शिक्षा नीति के लिए आप लोगों के जो प्रयास हैं वो काम आ सकते हैं। देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में, जैसे भारत में एक विषय हमारी आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ी ताकत दे सकता है, और भारत ने ये मौका गंवा दिया है। हमने फिर से एक बार उसको प्राप्त करना है, और वो हमारे स्कूलों से शुरू हो सकता है, और वो है टूरिज्म। अब आप कहेंगे हम बच्चों को पढ़ाएं या टूरिज्म करें, मैं नहीं कह रहा हूं आप टूरिज्म करें, लेकिन अगर स्कूल के अंदर टूर तो जाती होगी, लेकिन ज्यादातर टूर का जो देखा नहीं है वहां टूर जाती है। स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए वहां टूर नहीं जाती है। अगर स्टूडेंट का टीचर का उदयपुर रह गया तो फिर कार्यक्रम बनाएंगे कि स्कूल इस बार उदयपुर जाएगी, और फिर सबसे जो भी पैसे लेने होते हैं, जो टिकट का खर्चा होता है सब कलेक्ट करते हैं फिर जाते हैं। लेकिन मेल तो जैसे माँ कहती है ना बच्चे को आइसक्रीम खाना है तो हम लोग कभी सोच करके जैसे टाइम टेबल बनाते हैं, साल भर का आप लोग पूरा काम तय कर लेते हैं किसको करना कैसे, क्या उसमें हम अभी से कि भाई 24-25 में 8 या 9 कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डेस्टिनेशन ये होगा, 9 और 10 के लिए ये होगा, है जो भी तय करें आप। हो सकता है स्कूल 3 डेस्टिनेशन तय करें, हो सकता है 5 डेस्टिनेशन तय करें, और उनको साल भर काम देना चाहिए कि अब आपको प्रोजेक्ट दिया जाता है कि अगले साल हम केरला जाने वाले हैं, चलो भाई 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा जो केरल के सोशल रीति रिवाज उन पर प्रोजेक्ट करेगा, 10 स्टूडेंट वहां के धार्मिक परंपराएं क्या होती हैं, मंदिर कैसे होते हैं, कितने पुराने हैं, 10 स्टूडेंट हिस्ट्री पर करेंगे, साल भर एक एक दो दो घंटा इस पर डिबेट होती रहे, केरल 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 चलता रहे, और फिर केरल के लिए निकल पड़े। आपके बच्चे जब जाएंगे केरला तो वो एक प्रकार से पूरे केरल को आत्मसात करके वापस आएंगे, उनको रहेगा अरे वो मैंने पढ़ा था ना, अच्छा ये वो है, वो कोरिलेट करेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए गोवा ने तय किया कि
कि इस बार हम नॉर्थ ईस्ट जाएंगे और मान लीजिए सब स्कूल मिला करके 1000-2000 बच्चे नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो उनको तो नॉर्थ ईस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के टूरिज्म को फायदा होगा कि नहीं होगा? ये लोग नॉर्थ ईस्ट जितने भरते हैं तो नॉर्थ ईस्ट वालों को लगेगा भैया अब इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ चाय पान के लिए दुकानें खोलनी पड़ेगी, किसी को लगेगा ये चीज बिकती है चलो ये ज्यादा, तो वहां व्यापार रोजगार बढ़ेगा। भारत इतना बड़ा देश है, हम शिक्षा के साथ, और इस बार आपको आप अपने स्टूडेंट्स को बताइए, अभी ऑनलाइन एक कंपटीशन चल रहा है और आपके स्कूल के सब बच्चों ने उसमें हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन ऐसे ही टिक मार्क नहीं करना चाहिए, थोड़ा स्टडी करके करना चाहिए। और अभी कंपटीशन चल रहा है देखो अपना देश, ऑनलाइन रैंकिंग चल रहा है, लोग वोट कर रहे हैं और उसमें हमारी कोशिश है कि उस राज्य के लोग वोट करके तय कर पे हमारे राज्य में ये नंबर वन पर चीज है जो देखने जैसी है, जाने जैसी है। एक बार वोटिंग से जो सिलेक्ट होंगे तो सरकार कुछ बजट लगाएगी, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी और उनको फिर डेवलप करेगी। लेकिन ये टूरिज्म कैसे डेवलप होता है, मुद्दा ये होता है कि पहला मुर्गी की पहले अंडा। कुछ लोगों को कहना भाई टूरिस्ट नहीं है इसलिए डेवलप नहीं होता है, कुछ लोग कहते हैं कि टूरिस्ट आएंगे तो डेवलप होगा, और इसलिए हम स्टूडेंट से शुरू कर सकते हैं ऐसे डेस्टिनेशन, योजनाबद्ध तरीके से वहां जाए, रात्रि को वहां मुकाम करें तो उस स्थान के लोगों को लगेगा भाई अब रोजगार की संभावनाएं बनेगी, तो होम स्टे बनने लग जाएंगे, ऑटो रिक्शा वाले आ जाएंगे। यानी अगर हम सिर्फ स्कूल में बैठे बैठे तय करें तो इस देश में 100 टॉप डेस्टिनेशन टूरिज्म के हम 2 साल के अंदर तैयार कर सकते हैं। एक टीचर कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकता है इसका ये उदाहरण है। यानी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्कूल के रेगुलर काम में करते ही हैं, आपके यहां से टूर जाते ही जाते हैं, लेकिन अध्ययन नहीं होता है। जहां जाना है उसका साल भर अध्ययन होगा तो वो शिक्षा का काम हो गया, जाकर के उस जगह पे जाते हैं तो वहां पर इकोनॉमी को लाभ हो सकता है। उसी प्रकार से मेरा आपसे आग्रह है कि आपके नजदीक में जहां भी यूनिवर्सिटी हो, कभी न कभी आपके 8वीं-9वीं कक्षा के बच्चों का उस यूनिवर्सिटी में टूर कराना चाहिए। यूनिवर्सिटी से बात करनी चाहिए भाई हमारे 8वीं कक्षा के बच्चे आज यूनिवर्सिटी देखने आएंगे। मेरा एक नियम था जब मैं गुजरात में था तो कहीं पर यूनिवर्सिटी में अगर कॉन्वोकेशन में बुलाते थे तो मैं उनसे कहता था भाई मैं आऊंगा जरूर लेकिन मेरे 50 गेस्ट साथ आएंगे। तो यूनिवर्सिटी को ना रहता नहीं कौन 50 गेस्ट आएंगे, और जब पॉलिटिशियन कहता है तो उनको लगता है उनके चेले चपाटे आने वाले होंगे। फिर मैं कहता था कि यूनिवर्सिटी के 5-7 किलोमीटर रेडियस में कोई सरकारी स्कूल हो जहां गरीब बच्चे पढ़ते हो झुग्गी झोपड़ी के, ऐसे 50 बच्चे मेरे गेस्ट होंगे और उनको आपको फर्स्ट रो में बिठाना पड़ेगा। अब ये बच्चे जब ये कॉन्वोकेशन देखते हैं, है तो बिल्कुल गरीब परिवार के बच्चे, उनके मन में उसी दिन सपना हम बो देते हैं कभी मैं भी ऐसा टोपा पहन करके ऐसा कुर्ता पहन करके मैं भी अवार्ड लेने जाऊंगा, ये भाव उसके मन में रजिस्टर हो जाता है। आप भी अगर अपने स्कूल के ऐसे बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटी देखने के लिए ले जाए, यूनिवर्सिटी से बात करेंगे साहब आपके यहाँ इतने बड़े बड़े बातें होती हैं हम देखना चाहते हैं। वैसे ही स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं जैसे ब्लॉक लेवल का स्पोर्ट्स कंपटीशन है तो कौन करेगा, वो पीटी टीचर जाने, वो खेलने वाला बच्चा जाने जाएगा। सचमुच में पूरी स्कूल को
स्पोर्ट देखने के लिए जाना चाहिए। भले कबड्डी चल रही है, किनारे बैठेंगे, ताली बजाएंगे, कभी कभी देखते देखते ही उसमें से खिलाड़ी बनने का मन किसी को जग जाता है। खिलाड़ी को भी लगता है यार मैं कोई इकलौता अपने पागलपन के कारण खिलाड़ी नहीं बना हूं, मैं खेल खेल रहा हूं, मतलब मैं एक समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। उसके अंदर एक भाव जगता है। एक टीचर के नाते मैं ऐसी चीजों को इनोवेट करता रहूं और कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न के बिना जो है उसको प्लस वन करना है बस, ये अगर हम कर सकते हैं तो आप देखिए स्कूल का भी नाम बन जाएगा, जो टीचर इसमें काम करते हैं उनके प्रति भी देखने का एक भाव बदल जाएगा। दूसरा, आप लोग कोई ज्यादा संख्या है नहीं, लेकिन आप में से सबको पता नहीं होगा कि बाकियों को किस कारण से ये अवार्ड मिला है, पता नहीं होगा। आपको लगता होगा मुझे मिला, उसको भी मिला होगा, मैं ये करता हूं मुझे मिल गया, वो भी कुछ करता होगा मिल गया, ऐसा नहीं।